साथियों, दुनिया आज हमारी बात को, हमारे सुझावों को पूरी गंभीरता के साथ सुन भी रही है और समझ भी रही है। बीते कुछ सालों में पीएम मोदी का ये वक्तव्य सही साबित होता दिख रहा है। बरसों पुरानी भारत की दुश्मनों से भी भाई जैसा बर्ताव करने वाला रवैया वैश्विक पटल पर भारत की छवि को कमजोर कर रहा था। वही बीते 5 सालों में मोदी सरकार की दुश्मनों के नापाक हरकतों पर आक्रामक अंदाज ने भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदल दिया है। आज एक ओर दुश्मन डरा है तो समृद्ध और शक्तिशाली देश भारत के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता है। इसकी बड़ी वजह है भारत अपने विचारों में बदलाव के साथ साथ अपने रक्षा तंत्र को काफी मजबूत कर रहा है। दुश्मनों के नापाक इरादों का जवाब उसी की भाषा में दे रहा है। तो जल थल हो या नव, हर सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। हथियारों के मामले में भारत अब दूसरे देशों पर निर्भरता को छोड़ आवश्यकता अनुसार खुद हथियार निर्मित कर रहा है। भारतीय नौसेना के बेड़े में 28 सितंबर को भारत में निर्मित कलवरी क्लास की दूसरी सबमरीन आईएनएस खंडेरी और एक स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट शामिल होने जा रहा है। ये फ्रिगेट शिवलिक क्लास फ्रिगेट के फॉलो ऑन ऑर्डर में पहला है। इस तरह के कुल 7 फ्रिगेट बनाए जाएंगे। ये सारे फ्रिगेट स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं, यानी दुश्मन के रडारों के लिए इन्हें देख पाना संभव नहीं होगा। इनमें दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए बराक मिसाइलों के अलावा ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगी हैं, जिनसे दुश्मनों के जहाजों के अलावा जमीन पर दुश्मन के ठिकानों पर भी सटीक हमला किया जा सकता है। ये फ्रिगेट 52 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 28 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चल सकते हैं और एक बार में लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इनमें 2 हेलीकॉप्टर तैनात भी किए जा सकते हैं।